ओके सो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। भाई WWE वालों, क्या हो गया तुम्हें? रैंडी ऑर्टन को कैसे ट्रीट कर रहे हो तुम लोग? मतलब रैंडी ऑर्टन जो 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, एक ऐसा लेजेंड किलर जो कि खुद एक लेजेंड बन चुका है, भाई उस बंदे को WWE लगातार मैचेस में हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें रैंडी ऑर्टन को हराना ही है तो तुम रैंडी ऑर्टन को स्पॉट में क्यों रखते हो कि भाई जो फैंस है रैंडी ऑर्टन के, उनके अंदर एक उम्मीद जाग दे कि अब हाँ रैंडी ऑर्टन में भी जीत वाले हैं। सबसे पहले तो रॉयल रंबल में जब उनका अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था रोमन रेंज के केस, तब भी काफी लोगों को लगा था कि रैंडी ऑर्टन जीतने वाले हैं। सेकंड बाई एलिमिनेशन चैंबर में जब भी काफी लोगों को लगा था कि रैंडी ऑर्टन जो है एलिमिनेशन चैंबर को जीतेंगे एंड फेस करेंगे सेथ रोलिंस को, एंड जो कि काफी बेटर मैच भी हो सकता था। एंड थर्ड ये मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर का मैच। सच बताऊं तो इतने सारे रैंडी ऑर्टन को हारते हुए देखने के बाद मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि रैंडी ऑर्टन इस मैच में जीतने वाले हैं। एंड WWE ना भाई रैंडी ऑर्टन को एकदम वैसे ही ट्रीट कर रहे जैसे उन्होंने कुछ साल पहले जॉन सीना को ट्रीट किया था। मतलब ठीक है यार, गुंथर भी अच्छा रेसलर है, बट रैंडी ऑर्टन को थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाओ भाई। वो बंदा सच में डिजर्व करता है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना। वो ही एक ऐसा बंदा है अभी तक WWE में जिसने इतना फेम और नाम पाने के बाद भी WWE को छोड़ के हॉलीवुड में नहीं गया, वरना बाकी के रेसलर जैसे कि रोमन रेंस, जॉन सीना एंड द रॉक कब के WWE को छोड़ के हॉलीवुड में जा चुके हैं। बट रैंडी ऑर्टन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई उसे प्रो रेसलिंग से प्यार है, ना कि हॉलीवुड की फिल्मों से। हाँ एक आध पिक्चर कर चुके हैं रैंडी ऑर्टन भी, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा कभी भी। एंड इवन रैंडी ऑर्टन एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि वो WWE को छोड़ के कभी नहीं जाने वाले हॉलीवुड की पिक्चरों में। भाई अब WWE उनको ट्रीट ही ऐसा कर रही है तो मुझे तो यही लगता है कि रैंडी ऑर्टन को भी WWE छोड़ के अब हॉलीवुड की पिक्चर करने चले जाना चाहिए। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतनी देर से कहाँ गायब हो गया। तो अगर सच में जानना चाहते हो तो भाई एम रखते हैं 20 लाइक्स का, कर दो भाई पूरा। मैं बता दूंगा कहाँ गायब हो गया था इस हफ्ते से।